केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। तो बच्चों लिखा जाए केमिकल केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन को बच्चों हम लोग पढ़ेंगे तीन कैटेगरी में। पहला है न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन सबस्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन, और नेक्स्ट है बच्चों रिएक्शन रिएक्शन विद मेटल्स मेटल्स। यही तीनों के बारे में बच्चों हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन छोटा छोटा टॉपिक बना के पढ़ेंगे, आसानी से सीखेंगे और हर चीज सीखेंगे। तो बच्चों लिखा जाए न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन सबस्टिट्यूशन। अब बच्चों इसको शॉर्टकट में लिखेंगे एस एन सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन। अब ए जो है बच्चों दो टाइप का होता है, पहला टाइप है एस एन टू और दूसरा टाइप है एस एन वन। न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन बायोमोलेकुलर रिएक्शन और दूसरा होगा न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन यूनिमोलेकुलर रिएक्शन, यानी मोलेकुलर ये जो है वन और टू मोलेकुलर मोलेकुलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो लिख दीजिए मोले मोलेकुलरिटी, और ये कहाँ पढ़ना है बच्चों केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। अगर अब है सांडिलिया सर्च करते हैं मोलेकुलरिटी वगैरह बहुत आसानी से सीखेंगे, डिटेल पूरा चैप्टर कंप्लीट दिया हुआ है बच्चों। अब हम लोग आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक, अब यहां न्यूक्लियोफिलिक है तो स्वाभाविक है कि न्यूक्लियस से इसका कोई संबंध है, तब ना न्यूक्लियोफिलिक है, तो इसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियो न्यूक्लियोफिलिक तो है बच्चों लिखा हुआ है, यानी न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज, यानी न्यूक्लियस से इसको प्रेम है। और न्यूक्लियस में क्या रहता है प्रोटॉन रहता है, और प्रोटॉन पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दूसरा पॉइंट में भी लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पेसीज, यानी इलेक्ट्रॉन से संपन्न है, इसलिए बच्चों इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। अब यहां ध्यान दीजिएगा रिएक्शन में क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल अंदर जाएगा और दूसरा बाहर निकलेगा, निकलने वाला भी न्यूक्लियोफाइल्स अंदर जाने वाला भी न्यूक्लियोफाइल्स, जो निकलेगा उसको लिविंग ग्रुप कहेंगे। अगर डिफिनेशन शॉर्टकट में कहेगा तो लिखेंगे सच सच रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स सबस्टिट्यूटेड, या रिप्लेस भी लिख सकते हैं सबस्टिट्यूटेड बाय अनदर अनदर न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स। अब बच्चों इसके लिए सबस्ट्रेट को लाना होगा जिस पर अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा, सबस्ट्रेट को हम लोग ले आते हैं आर एक्स। एक्स जो है हैलोजन फैमिली है, या तो फ्लोरीन भी रहेगा क्लोरीन भी रहेगा ब्रोमीन भी रहेगा और आयोडीन भी रहेगा।
अब देखिए ए जो है बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इस पर पार्शियल निगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आ गया तो न्यूक्लियोफिलिक तैयार है कि तुम जाओगे कहां, न्यूक्लियोफिलिक इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो आर एन यू और ए जो है आपका एक्स बाहर का रास्ता देखेगा। अब जो बाहर का रास्ता देख रहा है उसको क्या कहेंगे बच्चों, लिविंग ग्रुप एल जी। अब एल जी या तो निगेटिव होगा और नहीं तो फिर न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा। अब निगेटिव न्यूट्रल कैसे होगा, तो यहां देख रहे हैं निगेटिव बाहर निकल रहा है, अरे ऐसे भी देख लीजिए आर ओ एच है ना। अब इस पर जो है बच्चों न्यूक्लियोफाइल्स जो है अटैक किया, अटैक किया, ए इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पर प्लस, इस पर माइनस, ए इस पर अटैक करेगा, अब ये क्या हो जाएगा आर एन यू प्लस ओ एच माइनस। अब यहां देखिए आर है एन एच थ्री पर प्लस है, प्लस है, यहां आएगा क्या न्यूक्लियोफाइल्स आएगा, न्यूक्लियोफाइल्स आएगा, ए इस पर अटैक करेगा, ए इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पर प्लस माइनस अटैक करेगा, आइए खींचेगा तो प्लस माइनस न्यूट्रल होगा, यानी आर एन यू प्लस एन एच थ्री। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या है, न्यूट्रल है अमोनिया और यहाँ क्या है हाइड्रोक्साइड है, निगेटिव है, यानी दोनों निकलेगा, या तो निगेटिव निकलेगा नहीं तो फिर न्यूट्रल निकलेगा। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहता है जितना बेस्ट लिविंग ग्रुप, यानी कहने का मतलब जितना आसानी से निकलेगा लिविंग ग्रुप उतना रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा, यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल जी टेंडेंसी, एल जी टेंडेंसी। इसको जो है बच्चों एकदम दिमाग में सेट कर लेना है, है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा बेस्ट लिविंग ग्रुप पता कैसे चलेगा, अब यहां देखिए ए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ए जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा इस पर माइनस, इस पर माइनस, इस पर माइनस, इस पर माइनस। अब टॉप टू बॉटम जब आइएगा है ना तो साइज बढ़ेगा, और साइज जब बढ़ेगा एनायन का स्टेबिलिटी भी आपका बढ़ेगा, यानी अस्टेबिलिटी, अस्टेबल एनायन बेस्ट लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा और देखिए, एच आई है, एच बी आर है, एच सी एल है, एच एफ है, ये सभी जो है बच्चों हाइड्रोएसिड है, हाइड्रोएसिड, और एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम में आते हैं तो क्या होता है पढ़ता, तो स्वाभाविक है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तब ये है, तब ये है, ये तो आप समझ रहे हैं। और जितना अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस उतना ही वीक होगा, तो स्वाभाविक है कि आई माइनस सबसे वीक होगा, तब बी आर माइनस होगा, तब सी एल माइनस होगा, तब एच एफ माइनस होगा, यानी ए होगा, ए होगा। यहां भी देखिए, यहां लिख दीजिए बिग बेस बेस्ट लिविंग ग्रुप। एक चीज और ध्यान दीजिएगा बच्चों, सी एन माइनस एंड एन ओ टू माइनस पॉसेस टू निकलियो निकलियोफिलिक सेंटर। अब कहता है ये दोनों में दो सेंटर है, दो जगह से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, कैसे करेगा, डोनेट करेगा। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा सी एन माइनस है, इसका लिविंग स्ट्रक्चर बनाइए, नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन को काम पर लगा दिया है, एक पेयर बचा हुआ,
कार्बन का वैलेंसी चार होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन को कम पर लगा दिया, एक बचा हुआ है। इसको पेयर में अगर करते हैं तो इस पर माइनस आ जाता है। अब देखिए ए भी डोनेट करेगा और इधर से ए भी डोनेट करेगा, दो सेंटर हुआ कि नहीं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अब आ जाइए NO2 माइनस में देख लीजिए, अब यहाँ है N है डबल बॉन्ड O, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा इसका जो है एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो है बचा हुआ है, तीन इलेक्ट्रॉन को काम में लगा दिया। इसमें जो है बच्चों एक ही इलेक्ट्रॉन को काम में लगा दिया है, पांच इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब यहाँ देखिए ए वो है, इसको दो वो बनाना, इस पर माइनस डालिए। अब यहाँ से देखिए ए भी जो है डोनेट करेगा और ए भी आपका डोनेट करेगा, यानी ऐसे मोलिक्यूल्स जिसपे दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो उसको कहेंगे एम्बीडेंट, एम्बी डेंट न्यूक्लियो न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। अगर कहेगा मोनोडेंट न्यूक्लियोफाइल्स तो जिसमें एक सेंटर हो, लिख दीजिए मोनो मोनोडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, ओ एच माइनस हो गया, सी एल माइनस हो गया, ओ आर माइनस हो गया, एच माइनस हो गया। ए बच्चों आपका क्या हो गया मोनो डेंट न्यूक्लियोफाइल्स, और ए दोनों क्या हो गया एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। SN2 रिएक्शन, इससे पहले बच्चों हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन के बारे में पढ़े, एक न्यूक्लियोफिलिक अंदर जाएगा दूसरा न्यूक्लियोफिलिक बाहर निकलेगा, जो बाहर निकलेगा उसको लिविंग ग्रुप कहेंगे। अब ये जो है 2A क्या दर्शा रहा है, तो पहले से इसका पूरा नाम लिख लीजिए सबस्टिट्यूशन, सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक बाई मोलेकुलर मोलेकुलर। ये जो है बच्चों सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है, तो हम लोग रिएक्शन में आ जाते हैं, सबस्ट्रेट को लेते हैं अल्काइल हैलाइड CH3X, इसका रिएक्शन जो है बच्चों KOH से करेंगे और KOH क्या देगा ब्रेक करेगा OH माइनस के पर प्लस, ए न्यूक्लियोफाइल दे रहा है, ए रिएक्शन होगा ए प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी ए प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में सॉल्वेंट, और वो है आपका CH3 COCH3, और तब जाकर के बनेगा CH3 OH X X माइनस। कहने का मतलब हुआ कि रेट जो है डिपेंड करता है दोनों रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पर, यानी इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है बच्चों, यानी रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है। तो अगर हम लोग रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रेट बराबर के CH3 X पर पावर 1 OH माइनस पर पावर 1, यानी ऑर्डर हो गया 2 हो गया, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये तो समझ गए कि ये बाई मोलिकुलर क्यों लिखा जाता है। अब बच्चों इसके मैकेनिज्म को समझेंगे, मैकेनिज्म समझ गए, बहुत आसान है बच्चों और बहुत ही इजी है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम लोग सबस्ट्रेट में क्या लिए हैं, अल्काइल हैलाइड, एक्स के जगह पर कोई भी हैलोजन फैमिली के मेंबर को आप दर्शा सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना। अब बच्चों यहां लेते हैं कार्बन है को एच, वैसे तो बच्चों ये कायरल कार्बन है नहीं, फिर भी दर्शा दीजिए को डैश एच एच, और यहां क्या है आपका X है। अरे अब यहां ध्यान दीजिएगा,
इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पर पार्शियल निगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। चलिए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तैयार हो गया जिस पर अटैक करेगा, लेकिन कहता है सामने से अटैक नहीं करेगा। क्यों अटैक नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ भी निगेटिव है और न्यूक्लियोफाइल्स भी निगेटिव है, बिल्कुल भागा देगा पहले। स्वाभाविक है ये पीछे से वार करेगा, पीछे से अटैक करेगा, है ना, पीछे से अटैक करेगा, तब जाकर के बच्चों ये बनेगा सी को एच को डैश एच, यहां है एच, और जैसे ही अटैक करेगा ये दोनों के बीच के बॉन्ड को वीक कर देगा इस प्रकार से, एक्स पर माइनस, इस पर प्लस, और ये अटैक कर रहा है एच ओ पर माइनस। अब बच्चों इसको हटाने के लिए एप्रोटिक सॉल्वेंट आएगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक, प्रोटिक मीन्स होता है प्रोटॉन देने वाला, एप्रोटिक मीन्स क्या हुआ, प्रोटॉन नहीं देने वाला, सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, है ना। अब इसका काम है बच्चों एक्स को आसानी से खींच लेना, है ना, तब खींचा जाएगा तब बचेगा क्या आपका सी को एच को डैश एच एच, यहां आ जाएगा आपका ओ एच प्लस, क्या बनेगा एक्स पर माइनस, है ना। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो है बैक टू अटैक किया है ना, बैक टू अटैक किया है, सामने से अटैक करता तो रिटेंशन होता, बैक से कर रहा है तो स्वाभाविक है इन्वर्सन होगा। यहां लिख देंगे इन्वर्सन, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट में दोनों यानी न्यूक्लियोफाइल्स है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है, उसके कंसेंट्रेशन पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करने लगा, और अल्काइल हैलाइड तो है ही, इसके कंसेंट्रेशन यानी दोनों के, दोनों रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, इसलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ। अब थोड़ा सा और बच्चों ध्यान देंगे, ए रहा आर, आर के जगह पर डायरेक्ट बैठा दीजिए सी एच थ्री, सी एच थ्री सी एच थ्री, यहां सी एल कर दीजिए, एक्स भी कर सकते हैं, ए थर्ड डिग्री हाईलाइट हो गया, हाईलाइट, फिर है सी सी एच थ्री सी एच थ्री एच सी एल, फिर है सी एच थ्री सी एच टू सी एल, फिर है सी एच थ्री सी एल, ये दोनों तो एक ही है बच्चों। अब देखिए सेकेंड डिग्री है हाईलाइट यानी सेकेंडरी हाईलाइट, ये हो गया प्राइमरी हाईलाइट, ये हो गया मिथाइल क्लोराइड, है ना, मिथाइल क्लोराइड। अब यहां ध्यान दीजिएगा, है ना, ये चारों अगर केटायन के मामले में कहेगा तो केटायन स्टेबिलिटी ऑफ केटायन होता है थर्ड डिग्री सेकेंड डिग्री एंड वन डिग्री, ये तो स्टेबिलिटी ऑफ केटायन हो गया। लेकिन न्यूक्लियोफाइल्स अटैक आसानी से किस पर करेगा और रिएक्शन फास्ट किसका होगा, तो कहता है कि रेट जो होता है, ध्यान दीजिएगा, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल अस्टेरिक हिंड्रेंस, अस्टेरिक हिंड्रेंस, है ना, अस्टेरिक हिंड्रेंस यानी भीड़, सबसे ज्यादा भीड़ किसमें आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें तीन अल्काइल, वन टू थ्री, इसमें क्या है वन टू दो, इसमें है एक, इसमें एक है, है ना, तो सबसे ज्यादा कौन होगा बच्चों, ए होगा, तब ए होगा, तब ए होगा, यानी सबसे कम टर्शियरी हैलाइड। SN1 रिएक्शन बहुत आसान टॉपिक है बच्चों, सिर्फ देखने की आवश्यकता है, एक बार देख लेंगे लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, इसकी गारंटी है।
सबसे पहले तो बच्चों इसका पूरा नाम लिखेंगे, एस से होता है सबस्टिट्यूशन, सबस्टिट्यूशन, और एन से न्यूक्लियोफिलिक, यानी न्यूक्लियोफिलिक का सबस्टिट्यूशन होगा, एक जाएगा और दूसरा वापस निकलेगा, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। अब बच्चों ये जो वन लिखा हुआ है ये मोलेकुलरिटी को दर्शाता है, यानी ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहां लिखेंगे यूनिमोलेकुलर, यूनिमोलेकुलर, यानी ए जो है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब बच्चों इसमें जो होने वाला है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, देख लेते हैं। ये जो रिएक्शन होगा बच्चों, पहला पॉइंट कि ये जो रिएक्शन होगा दो स्टेप में होगा, तो लिखेंगे टू स्टेप, टू स्टेप। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप जो होगा स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप है ना, स्लो स्टेप होगा, और वो जो होगा रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल मीन्स उत्क्रमणीय, पुनः वापस भी आ सकता है, और वही स्टेप जो है बच्चों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा, आरडीएस है ना। इसके बाद फर्स्ट स्टेप में जो है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा इन फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप। इसके बाद कहता है कि रेट जो है कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, यानी स्टेबिलिटी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, यानी जितना स्टेबल कार्बोकेटायन उतना फास्ट रेट ऑफ सबस्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलेकुलर रिएक्शन। अब कार्बोकेटायन की रेट स्टेबिलिटी को अगर देखें तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें अधिक होता है भीड़, सेकेंड इसके बाद फर्स्ट, इसको तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा। अब बच्चों ध्यान देंगे, सेकेंड स्टेप जो होगा, सेकेंड स्टेप में प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, और ये प्रोडक्ट जो है बच्चों दो टाइप का बनेगा है ना, वो तो हम लोग रिएक्शन में देखेंगे, या इसको हम लोग लिखेंगे रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी दोनों का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा बच्चों, तो देखने की चीज है, देखेंगे। इसके बाद इसमें जो सॉल्वेंट का यूज करेंगे है ना, वो पोलर प्रोटिक, यानी प्रोटॉन देने वाला सॉल्वेंट, लिख लेंगे पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लाइक वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल हो गया, एंड एसिटिक, एसिटिक एसिड हो गया है। अब बच्चों एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल है ना, ये सारी बात तो हम लोग लिख लिए हैं,
एग्जाम्पल में लिखते हैं हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड में बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन का होगा टर्सियरी में, है ना। तो हम लोग टर्सियर किसी को भी ले सकते हैं, है ना। तो टर्सियरी को ले लेते हैं CH3 Br। इसका नाम क्या होगा बच्चों? टर्सियरी ब्यूटाइल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तब जाकर के आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इसमें तो बच्चों कुछ देखना नहीं, जो भी देखना है मैकेनिज्म में देखना है OH एंड Br- माइनस बाहर निकलेगा बच्चों। अब इसको छाप लीजिए। अब बच्चों मैकेनिज्म को देखते हैं, इसी में पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो ध्यान दीजिएगा मैकेनिज्म, और पहले लिख चुके हैं बच्चों ये जो रिएक्शन है दो स्टेप में होगा। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन या जनरेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कार्बो केटायन, यानी फर्स्ट स्टेप में कार्बो केटायन का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। अब बच्चों हम लोग ले आते हैं CH3 अल्काइल हैलाइड, टर्सियरी अल्काइल हैलाइड को ले रहे हैं CH3 और यहाँ है Br। अब इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, ए जो है रिवर्सिबल पहला स्टेप होगा, है ना, दोनों तरफ से रिएक्शन होगा। अब यहाँ देखिए ब्रोमीन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ये जो है धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और खींचने के बाद ये बना लेगा CH3 और यहाँ प्लस हो जाएगा और ए क्या होगा बच्चों? Br माइनस। इसी को कहते हैं ये जो है बच्चों स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप है, और यही रेट डिटरमाइन स्टेप कहा जाता है RDS, है ना। यहां से अगर रेट निकालेंगे तो रेट बराबर क्या होगा? K होगा। और यहां देख ही रहे रिएक्टेंट में सिर्फ एक ही मोलेक्यूल्स है ना, यानी इसके कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो यहां इसको ऐसे लिख देते हैं CH3 का होल क्यूब C पर कुछ नहीं Br पावर 1, यानी ऑर्डर आपका निकल रहा है 1, यानी क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या काइनेटिक्स लिख दीजिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। चलिए तो समझ गए। सेकेंड स्टेप में करा अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी अब हम लोग कार्बो केटायन को ले आते हैं, CH3 है और यहां जो है बच्चों प्लस है। यहां हम लोग लाते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हम लोग वाटर मोलिक्यूल्स को ले लेते हैं। अब यहां जो है बच्चों ये सॉल्वेंट का भी वर्क करेगा और न्यूक्लियोफाइल्स दोनों का वर्क करेगा। न्यूक्लियोफाइल चूंकि इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर करेगा, जिसके कारण एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा CH3 और यहां हो जाएगा OH और इस पर प्लस। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा,
यहां फिर से वाटर मोलिक्यूल्स आएगा, वाटर मोलिक्यूल्स आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहां ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है, ए अपना प्लस को मिटाने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना, और जब यहां से खींचेगा तो माइनस प्लस से तो न्यूट्रल हो गया, एच प्लस ए लेकर के चला जाएगा, बाकी जो है उसको बच्चों छाप देना है, सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एच। चलिए अब कपन किया, अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां लिख दीजिए अस्टीरियो, एस्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। एस्टीरियो मीन्स होता है बच्चों अस्पेस, आइसोमेरिज्म पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो भाई संडिलिया सर्च कीजिए, बहुत मजे में सीखेंगे वो बच्चों। तो बच्चों हम लोग देखेंगे यहां कि यहां जो है इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो sp2 होता है, और sp2 है तो स्वाभाविक है कि इसका शेप प्लेनर होगा, तीनों एंगल बराबर होगा, इसको ऐसे कर दिया इस प्रकार, और अगर प्रोडक्ट रेसमिक मिक्सचर बनाना है तो ये जो है बच्चों कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन मीन्स क्या होता है कि कार्बन का चारों वैलेंसी जो है डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा हुआ हो, जैसे मान लिया ए है, ए है बी और ए है सी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये तो प्लस है, अरे एक और हैलोजन फैमिली फ्लोरीन क्लोरीन कोई भी रहेगा। अब यहां वाटर मोलिक्यूल्स जो कि न्यूक्लियोफाइल्स बल्ब का वर्ग करता है, तब यहां जो है वाटर मोलिक्यूल्स क्या करता है, इसका शेप हो गया इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब यहां वाटर मोलिक्यूल्स जो है बैक से भी अटैक करेगा, फ्रंट से भी अटैक करेगा, दोनों साइड से अटैक करेगा। अगर फ्रंट से अटैक करता तो ये हो जाता है रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, है ना, यानी फ्रंट से आगे इस प्रकार से ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और यहां जो है आपका ओ एच लग जाएगा, है ना। अगर बैक से करता है तो ये हो जाता है इनवर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इनवर्सन यानी बैक से पीछे से, यानी ये हो जाएगा सी ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और यहां से अटैक किया ओ एच। यानी कहने का मतलब एक हुआ बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज और दूसरा हुआ लिवो रोटेटरी, यानी दोनों को कहेंगे रेसमिक, रेसमिक मिक्सचर। यही तो आज का टॉपिक है बच्चों, रेगुलर क्लास करते रहिए, इसी के साथ